में आपका अपना सूरज, मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव SR में आपका स्वागत है। आज हम एक नए जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलनी वाटरफॉल, जो पुतरातू साइड में पड़ता है। आपको वहाँ का व्यू के बारे में बताएंगे, वहाँ पर कैसा जगह है, क्या है और वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं आप। तो ये जगह इससे पहले बहुत कम लोग ही जा पाए हैं, हम लोग भी आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो हम आगे जाते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा है क्या है। तो हम अब निकलने वाले हैं और मैं इस जगह में खड़ा होकर धनराज का वेट कर रहा हूँ हमेशा की तरह। वो आज भी लेट है, लेट कर रहा है, अभी तक वो आया नहीं है। अच्छा, वो आ रहे हैं, देखिए भाई हमेशा की तरह लेट करते हैं, हमेशा की तरह लेट। नहीं आ रहे हैं जल्दी। ये हम फाइनली पॉलनी वाटरफॉल की तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ से ये एरो दिखा रहा है 3.5 किलोमीटर, ये गांव की तरफ अंदर की तरफ दिखा रहा है। तो हम अब अंदर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम मेन रोड छोड़ के ये गांव वाले रोड पकड़े हैं, रोड काफ़ी सकरा हो गया है और रोड में काफ़ी गड्ढे वड्ढे दिख रहे हैं। और अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें फॉल के लिए यही रोड पकड़ के जाना पड़ेगा। ये रोड गांव के बीचों बीच से गुजरता है। यहाँ पर ऐसा कोई डर नहीं है कि गांव वाले कुछ करेंगे, तो ये काफ़ी सेफ जगह है। ये देखिए हम कच्चा रास्ते में पहुँच गए हैं, अब से हम आगे तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके और फाइनली हम धीरे अब कुछ ही देर में हम फॉल के पास रहेंगे। ये पॉलनी वाटरफॉल बहुत ही कम लोगों ने इसका नाम सुना है, क्योंकि ये इसी साल 2020 जनवरी में बना है। फाइनली हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं फॉल के पास, हम काफ़ी लंबा ड्राइव करके आए हैं। हेलो दोस्तों, हम फाइनली पॉलनी वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। जैसे आप दृश्य देख सकते हैं, हमें जाना है उस साइड और ये रास्ता है, यहाँ जाना है। ये व्यू देखिए काफ़ी मन को लुभावने वाला, और ये पहाड़ देखिए आप काफ़ी ऊँचा। इस जगह की एक अच्छी बात है कि यहाँ पर घूमने के लिए आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं। और लड़कियाँ अगर आना चाहती हैं तो वो ग्रुप में आए या अपने फैमिली के साथ आए तो अच्छा रहेगा। ये रोज ही खुला हुआ रहता है, ऐसा कोई दिन नहीं है जो बंद रहता है। इसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और यहाँ के जो भी देख रेख करते हैं वो गाँव के लोग ही हैं। हम फाइनली अब नीचे आ गए हैं। शुल्क देना पड़ेगा, ये देखिए, और आप अपने फैमिली के साथ नीचे तक आ सकते हैं। और नीचे आने में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, गांव वालों के द्वारा रोड बनाया गया है तो आपको थोड़ा सा खुद से ही सबसे चलते आगे बढ़ना पड़ेगा। 140 मीटर की हो गई। बच्चों के साथ चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, क्योंकि रास्ता है अभी
टेम्प्रेरी रास्ता बनाया गया है गांव वालों के द्वारा, क्योंकि हमें ऊपर से नीचे की ओर उतरनी पड़ती है, तो काफ़ी ढलान है, थोड़े से स्लिप होने पे आपको काफ़ी सही से इसका व्यू का अंदाजा लगा सकते हैं, इतना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है और नीचे आप खाई भी देख सकते हैं इतना गहरा है। फाइनली फॉल की तरफ पहुंच गए हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं। ये जो सीढ़ी बनाई गई है गांव वालों के द्वारा, और ये देखिए ये आई थिंक 140 चाई से ये झरना, ये पानी गिर रहा है, काफ़ी खूबसूरत दृश्य। फाइनली हम फॉल के नीचे आज आप पहुंचे हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग नहाते हुए भी दिख रहे हैं। ये काफ़ी शानदार नज़ारा है, काफ़ी ऊंचाई से ये पानी गिरते हुए, इसकी ऊंचाई लगभग 140 फीट की होगी, और ये चारों तरफ आपको पहाड़ों से घिरा हुआ नज़र आएगा, चारों तरफ काफ़ी सुंदर व्यू। और हम जिस रास्ते से आए हैं बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए आए हैं, काफ़ी ऊपर से नीचे हम आए हैं, और जिस तरह से आप ये पहाड़ देख रहे हैं काफ़ी आकर्षक, ये फॉल के साथ बहुत ही आनंदपूर्वक एहसास दिलाते हुए मनमोहक, हम आपको थोड़ा फॉल के करीब ले जाते हुए। अगर आप फॉल के करीब आते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि ये कंटिन्यू पानी बहने की वजह से यहाँ पे काफ़ी स्लिप भी हो जाती हैं, तो आप अगर इतने करीब आते हैं तो थोड़ा सावधानी रखते हुए करीब आइए, नहीं तो आपको काफ़ी चोट लग सकती है। और इस झरने का जो पानी है ये किसी नदी से आके यहाँ बह रही है, यहाँ पे गाँव वाले लोग बताते हैं कि ये फॉल गर्मी के दिन में सूख जाती है, तो ये फॉल पूरे साल नहीं रहती है, ये अप्रैल मई तक में आते सूख जाती है, और फिर जब बरसात होती है तब ये फॉल में पानी फिर से बहने लगता है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो इसी ठंड के महीने में आ सकते हैं। दोस्तों इस ऑडियो में हमारा आवाज़ नहीं आने के कारण मैं इसे वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों का शेयर करें अगर आपको यहाँ पे आना है, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।